पहने किधर आए खुद देखें, सिर्फ वीडियो पे ना देखें, अच्छा के अपना एंजॉय करें। रेडी वेली इतनी वेली आवाम थोड़ी है हमारी तरह, हम किस लिए, हम उनके साथ आएंगे ना। अगर पैराडाइज टूर नवीद चला सकता है तो क्या हम टूर नहीं चला सकते क्या? ये चेक करें जी, क्या मजे की जगह है, बड़ी दुनिया आई हुई है भाई इधर तो घूमने। वो सामने इसी पॉइंट पे आना जरूर है आपने, लेकिन यहाँ पे गंदगी सफाई का ख्याल रखना है, गंदगी नहीं मिटानी। अब ये बच्चों के पेम्पर वगैरह फेंक जाते हैं और ये एक न्यू अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ जी सब दोस्त खैर खरीत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम तमूरा। तो शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। तो आज हम लोग भाईजान आए हुए थे केपीके में, ये जगह मानथेरा बहुत खूबसूरत जगह। तो बेसिकली आए तो वैसे तो हम लोग यहाँ पर आए थे एक छोटा सा काम, तो काम तकरीबन कर लिए। तो जगह यार बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो हमने सोचा कि आज के दिन यहाँ थोड़ा घूमेंगे, अच्छी जगह देखेंगे, खूबसूरत जगह जो भी है इधर। तो अभी मेरे साथ जो हैं भाई इफ्तिखार आए हुए हैं मेरे साथ ही, तो हमारे एक दोस्त रहते हैं तेरी मानसेरा में, तो उनको बुलाया है तो वो भी हमारे साथ आएंगे। तो हम यहाँ पर बहुत ही अच्छी जगह है, वो हमें लेकर जाएंगे घुमाने के लिए। तो साथ ही जुड़े रहिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा, लाजमी यार चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है यार। कोशिश है कि इस वीडियो में हम 500 सब्सक्राइबर पूरे कर लें। तो इंशाल्लाह आज के दिन हम मानसेरा में घूमेंगे, तो कल इंशाल्लाह हमारा जो कोशिश करेंगे हम आगे जाएं नारायण के खान की तरफ। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, वीडियो पूरी देखिएगा, चलते हैं जी। Hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading us, and love is trust, yeah, no, I don't wanna waste what's left, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Hello, I am पहुंचे हैं इस जगह मानसेरा बाईपास, जो इसका व्यू है। तो इधर हम लोग पहुँचे हैं, यहाँ से आपको दिखाता हूँ मैं, ये सामने सारी आबादी है मानसेरा की, और उसके अलावा बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है जी, और गर्मी तो है ही नहीं ना इधर। सुनाए इफ्तिखार भाई, जगह कैसी लगी है? तो ये पंजाब से बहुत अच्छा लगता है, इधर ही को फार्म हाउस ले लें ज़्यादा। हाँ फार्म हाउस वो ना ऐसा करते हैं, ऊपर पहाड़ है ना उधर बना लेते हैं, ठीक है। टाइम यार हम लोग पहुंचे हैं, रास्ते में एक पॉइंट आता है बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो थक गए थे तो हमने कहा थोड़ी देर यहाँ स्टे कर लेते हैं। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं, इस जगह का यार नाम का तो नहीं पता मुझे, मैं पूछ लेता हूँ अभी, पर लेकिन ये जगह बहुत खूबसूरत है। नीचे में हम दरिया का पानी है, तो उधर जा रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं मेरे दोस्त, तो मैं अभी पीछे से पानी पिया उधर, और अभी मैं उनके पीछे पीछे जा रहा हूँ। तो इधर से आपको दिखाता हूँ, ये देखें कितनी खूबसूरत जगह है सामने, और ये भी मेरे ख्याल में पानी खड़ा है इधर, उधर दरमियान में बैठने की जगह बनाई हुई है। और सच्ची बताऊँ तो इधर भाई साहब मौसम इतना लेवल का है ना, बंदा क्या बताए, ठंडी हवाएं, गर्मी का तो नाम ही नहीं है ना इधर। ये देखिए इफ्तिखार भाई से पूछते हैं अभी, इफ्तिखार भाई
तो गर्मी का सीन है आपको इधर लग रहा है गर्मी शर्मी? हाँ हाँ देखो जी फ्रेश पानी आ रहा है, चश्मे का पानी है अभी चश्मे, नीचे दरिया है उधर जा रहे हैं अभी। बहुत यार खूबसूरत जगह, पहाड़ सरसब्ज शादाब। तो अभी जा रहे हैं हम लोग जी आगे, आगे जाते हैं तो यहाँ से आपको ना दिखाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म जगह है। मैं तो पहली बार आया हूँ इधर, सिर्फ मैंने वीडियो देखी थी तो देखें, जगह बहुत प्यारी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये दरिया है, पीछे आवाज़ आ रही होगी आपको पानी की। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत दरिया है, साफ सुथरा पानी है इधर। और नीचे ना ये पत्थरों के ऊपर ये कोई ना तारे वगैरह लगाई हुई हैं, बाउंस वगैरह स्लिप नहीं होते इधर से। तो अभी नीचे जा रहे हैं इधर से, और बहुत ही ज़्यादा ना मज़े की जगह। खैर भाई जगह कैसी लगी आपको? बहुत प्यारी है, मैं तो सब दोस्तों को ये रिकमेंड करूँगा के पी के में आए, छोड़े पंजाब को, गवर्नमेंट है आराम से फिर ना कोई। बात तो ठीक है यार। तो भाई साहब हम लोग बैठे हैं इस टाइम दरिया के अंदर, पाँव डाले हुए हैं पानी में, बारिश हो, देखें यार क्या मज़े की जगह है। और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, बहुत मज़े की जगह है। मैं तो कहता हूँ सब लोग आएँ यहाँ पर घूमें, बारिश हो। पंजाब में कुछ भी नहीं रखा है, गर्मी में तंदूर बने हुए सब चीज़ें, इधर आएँ घूमें इंजॉय करें, ज़िंदगी यही है। और ये पीछे पठार भाई हैं, इधर हमने तकरीबन 10-15 मिनट स्टे किया है, हाथ मुँह धोया है, इंजॉय किया थोड़ा सा। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है तो बहुत मज़ा आया हम लोगों को। अभी हम लोग जा रहे हैं आगे, तो आगे और भी टूरिस्ट स्पॉट हैं, उधर जा रहे हैं, बहुत अच्छी जगह है आगे भी। तो टाइम कम है तो हमने सोचा थोड़ा थोड़ा टाइम 10-15 मिनट स्टे करते हैं फिर चले जाते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आगे, तो ये इफ्तिखार भाई और साथ भाई सलीम है, तो ये आगे जा रहे हैं तो मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ इनके। यहाँ पर ये सारी कुदरती जगह है, खूबसूरत जगह है। तो ये सारा वो कहते हैं ना कि जो ग्लेशियर होते हैं उनका पानी पिघल कर आ रहा है ये दरियाओं से, बहुत ठंडा पानी, मज़े की जगह है। अच्छा इधर जाना है, रास्ता भूल कर आगे जा रहे थे तो इधर जाना है। उधर पहुँचे हैं यार चबोड़ी। तो इधर से हम लोग ना अभी थ्रू पेट्रोल वगैरह डलवा रहे हैं बाइक में, तो आगे जाना है काफ़ी जाना है, तो हमें के पैदल से डलवा लेते हैं। तो मौसम यहाँ का बहुत अच्छा है, पास अभी यहाँ से निकलते हैं हम लोग। हाँ जी, तो यार इस टाइम हम लोग पहुँचे हैं चबोड़ी गांव में, उधर हम लोगों ने खाने वगैरह का सीन बना लिया है, तो खाना वगैरह खाया है अभी इधर, तो कबाब वगैरह खाए हैं बाशो। तो अभी बाजार है ये चबोड़ी गाँव का, सामने पहाड़ और पीछे भी पहाड़, और हम लोग अभी आप यहाँ से निकलने लगे हैं आगे। तो आगे जाना है ये सचिन आने वाला, आगे सचिन गांव है, वहाँ जाएंगे देखते हैं जैसे जैसे कोई चीज़ और आती है तो आगे आप दिखाते हैं जी। तो इस टाइम हम लोग पहुँचे हैं जी, यहाँ से हम रोड से ना रास्ता उतरते हैं नीचे, तो ये आपको दिखाता हूँ जी। वहाँ पर आगे डैम भी बन रहा है यहाँ से पहाड़ों के आगे थोड़ा सा ना, और ये देखें खूबसूरत वादी, वो सामने झरना भी है पानी वाला,
और यहाँ से हम लोग नीचे जा रहे हैं, रोड भी ख़राब है इधर, और नीचे दरिया बह रहा है। क्या हुआ है, क्या दिखा रहे हैं? ये पानी यहाँ दिखा रहा, वो झरना दिखा रहा हूँ यार। आप लोगों को ये भी बताने कि इधर आए और देखें, सिर्फ वीडियो पे ना देखें, अच्छा के अपना एंजॉय करें। यार एडी वेली, इतनी वेली आवाम थोड़ी है हमारी तरह। हम किस लिए, हम उनके साथ आएंगे। हाँ, अगर पैराडाइज टूर नवीद चला सकता है तो क्या हम टूर नहीं चला सकते? क्या हमारे मोबाइल कैमरे नहीं है यार? यार बंदों की बात करो आप लोग। फिर यही बात है ना, वो हर 72 घंटे बाद उसके 800 सब्सक्राइबर आ रहे हैं। अच्छा, हमारे तो यार नहीं आ रहे, हमारे 8 वीडियो के बाद 1 सब्सक्राइबर आता है 1 घंटे में। बिस्ती करवा रहे हो वीडियो से गाइस, 1 घंटे में 8 सब्सक्राइबर चाहिए। हमारा एक और यूट्यूबर है, वो हर 72 घंटे बाद उसके 800 आते हैं। उसके 2 घंटों बाद फेसबुक पर पोस्ट होती है। वो ऊपर पहाड़ों के ऊपर घर भी हैं भाई, मजे की में तो ये लोग रहते हैं, मजे की जगह इधर है। वो उधर पानी के पास जाते हैं ना यार, वो बहुत मजे की जगह लग रही है। तो भाई साहब मैं तो खड़ा हूँ जो डैम के ऊपर, तो ये पानी देख रहे हैं, बहुत ठंडा पानी है, बहुत मजे की लेवल की जगह है। पानी की आवाज़ आप लोग सुन रहे होंगे इधर, कमाल इधर से जाते हैं आगे। एक मिनट पखार भाई, 1 मिनट यार, मेरी पिक्चर में यार क्या करना है, पिक्चर बना लेते हैं यार। अभी यार ऊपर जा रहा हूँ तो यहाँ से ये जगह बनी हुई है, ये आपको दिखाते हैं बात जो आए हाय ये चेक करें जी, क्या मज़े की जगह है, बड़ी दुनिया आई हुई है भाई इधर तो घूमने। वो सामने तो बाकी बड़े लोग आए हुए ये देखने की, ये चैनल है, वो नीचे फार भाई नीम भाई खड़े हैं, और सामने पहाड़, आगे आगे डैम है, डैम का पानी वहाँ से होकर इधर आ रहा है पानी सारा। फार भाई सुनाए जगह कैसी लगी ये वाली? आप नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी। अच्छा तो आप नवीद भाई को मैसेज दे रहे हैं, क्या करें भाई, आप नारायण भगवान लोगों को दलील करके ले आते हैं ना, एक काम का फोटो बनाते हैं ना, एडिटिंग करते हैं, फिर कहते हैं 50 रुपए तो ऐसे कर दूंगा। हमारे साथ आओ फ्री, आपको यहाँ पे टूरिज्म दिखाते हैं। सुनिए नवीद भाई, आप आगे बात ये है कि कोशिश किया करें, इस तरह की जगह ना एक्सप्लोर किया करें आप। नारायण भगवान वो जगह है, पूरा पाकिस्तान के आप लोग जगह देख चुके हैं। आप ये सलीम भाई हैं, पानी ठंडा इंजॉय कर रहे हैं, कह रहे हैं मुझे ठंड लगने लगी है, तो बाकी यार पानी है ही ठंडा इधर बहुत ज़्यादा, नेचुरल ब्यूटी कमाल लेवल। तो बस इधर हमने तकरीबन 20 मिनट स्टे किया है, तो जगह बहुत खूबसूरत ही, तो मैंने कहा यहाँ से होकर ही जाना है आगे, तो बहुत मज़े की जगह है इधर यार। बच्चे देखे पानी में इंजॉय करें, हम लोग तो पागल है जो साथ अपने ना नहाने के वाला ड्रेस नहीं लेकर आए साथ, हमने क्या क्या करना है, लेकिन आप पछता रहे हैं, लेकर आते तो यहाँ पर ना नहाते डुबकियाँ वगैरह लगाते, लेकिन चलें क्या कर सकते हैं अब। तो अब लोग अब हम लोग जा रहे हैं आगे, यहाँ से तकरीबन आगे 15-20 मिनट तक सचिन नाम का एक गाँव है, उधर जा रहे हैं, तो वहाँ पहुँच कर फिर मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ के व्यूज़ अच्छे से। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलने लगे हैं, बस सामने अपने शूज़ वगैरह डालते हैं, अपने बाइक लेकर निकलते हैं जी। इफ्तिखार भाई फिर चलें, मज़ा आ गया इस जगह से यार जाने को, लेकिन मजबूरी है, एक दिन चले जाना है, सब ने जाना है, अभी हम लोग जा रहे हैं फिलहाल। तो ये देखें जी, इन्होंने एक जगह बनाई हुई है, उनकी कोई अपना सिस्टम है डैम वालों का। देखें जी सीढ़ियाँ वगैरह हैं इधर, सीढ़ियाँ टाइप कर लें, सीढ़ियाँ तो नहीं है वैसे, लेकिन यहाँ से हम निकलते हैं और चलते हैं आगे। तो इस टाइम यार हम लोग पहुँचे हैं, ये गांव का नाम है मेल बट, इधर पहुँचे हैं, तो इधर हमने ये सामने मस्जिद है, तो इधर मस्जिद में अभी हम लोगों ने नमाज पढ़ी है, नमाज वगैरह पढ़ कर कभी बाहर निकले हैं, और इफ्तिखार में भी नमाज पढ़ ली है,
तो इसके बाद हम लोग इधर ऊपर जा रहे हैं पैदल ही, इधर जा कर देखते हैं अभी इधर कौन सी जगह है। यार हम लोग सचिन गांव में पहुंच चुके हैं, यहाँ से आपको दिखाता हूँ वहाँ से नीचे जाना है। और इधर नीचे ना ये वो जगह है, खूबसूरत सी जगह, एक टूरिस्ट पॉइंट है। तो इधर जा रहे हैं हम लोग, ये बस थोड़ा सा ही एक मिनट का रास्ता जो पैदल सफ़र कर। इधर ऊपर पार्किंग की जगह है सामने, आप लोग देख रहे होंगे गाड़ियाँ। इस टाइम हम लोग आए हुए हैं सचिन गांव में, तो जगह तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर लोग आते हैं तो यहाँ पर टिकट वगैरह भी फेंक जाते हैं। जगह भी है बहुत खूबसूरत, वो सामने दरिया जा रहा है पानी वाला, और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं अपनी फैमिलीज के साथ, दोस्तों के साथ, और बहुत ही ना खूबसूरत जगह है। वैसे ये वाली छाँव है, दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, और यहाँ पर लोग गर्मी ज़्यादा होने की वजह से नहा भी रहे हैं। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है इधर, एक बहुत ही अच्छी टूरिस्ट प्लेस है। हाँ जी इफ्तिखार भाई इधर आए, इस जगह के बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत खूबसूरत जगह है यार, हम यही मैसेज देंगे पब्लिक को कि यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं, न्यू स्पॉट पॉइंट है, और क्या नाम है, इसी पॉइंट पे आना ज़रूर है आपने, लेकिन यहाँ पे गंदगी सफाई का ख्याल रखना है, गंदगी नहीं मिटानी है। अब ये बच्चों के पेम्पर वगैरह फेंक जाते हैं, और ये एक न्यू स्पॉट आपकी तरफ लगाया है हमने मानसेरा में, पहले आप नारायण का गान जाते थे, अभी आप इधर आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप न्यू स्पॉट पे आप गंदगी फैलाएँ। तो पंजाब के तमाम टूरिस्ट से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ जो भी है वो अपना सफाई का ख्याल ज़रूर रखें, यहाँ पर गंदगी। हाँ जी यार यही बात है, सफाई सफाई का ना खास ख्याल से, क्योंकि सफाई होगी तो इस जगह पर लोग आएंगे घूमने के लिए। जगह बहुत प्यारी है, ये ठंडी जगह है, तो इस वजह से ख्याल रखा करें जो भी आए उधर, जिधर भी जाए, खसूस इधर नहीं जिधर भी जाए घूमने फिर उधर, ये है कि सफाई का खास ख्याल रखें। और हम लोग सचिन गांव में थोड़ी देर ही रुके हैं, 10-15 मिनट रुके हैं, क्योंकि हमें वो जगह इतनी ज़्यादा मज़े की नहीं लगी। तो हमने 3-4 पॉइंट थे जिधर जाना था, वो उधर हम लोग चले गए थे, देख लीजिएगा। तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर की तरफ, तो रास्ते में रुके हैं, यहाँ से देख लीजिए चश्मे का पानी इधर ऊपर पहाड़ों से आ रहा है, तो इधर उन्होंने जगह बनाई हुई है पानी पीने की ना, तो उन्होंने आगे ये टैंकी टाइप की समझ ले बना दी है, तो आगे से ये पानी आ रहा है बिल्कुल साफ सुथरा चश्मे वाला, तो पानी वगैरह पिया है। तो बस अभी यहाँ से हम लोग निकलते हैं वापस मानसेरा की तरफ, तो रास्ते में देखते हैं यार कोई होटल वगैरह मिलता है तो चाय वगैरह पीते हैं, तो उसके बाद हम लोग जाएंगे वापस मानसेरा शहर में, ठीक है? तो फिलहाल निकलने लगे हैं, चल